मेरे फल कहाँ गए माँ जी? तेरे पाँव में है ना? माँ जी ये मेरी चप्पलें हैं। तूने इन्हें फ्रिज में रखा था? माँ जी मैंने फ्रिज में अपने फल रखे थे। उसका मुझे नहीं पता। किसका? हाँ उसका मुझे पता है। ये आप क्या खा रही हैं? मैं अनार खा रही हूँ नीला, देख। सेब माँ जी। तेरा नाम सेब है? मेरा नाम खूबसूरत है। चल इधर से, सेब को इतना खूबसूरत नाम भी नहीं है। माँ जी ये फल मैंने अपने लिए मंगवाए थे। ना तो तूने इनका क्या करना था? सर पर लगाने थे। हाय फल सर पे लगाने से जुए मर जाती हैं? जी नहीं, बाल घने हो जाते हैं। जुओं के? ये मेरे फल है। तूने मेरे हाथ से सबर छीना फल माँ जी। हाँ तूने मेरे हाथ से सबर का फल छीना। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आपने जो करना है आप कर ले। मेरे बाप के पास इतना हराम का पैसा नहीं है कि वो पहले आपको पाले, आपके शौहर को पाले और अब इस बच्चे को भी पाले। सुतना! मुझ पे रोब डालने की कोशिश ना करें। अपने शौहर से जाकर कहें कि अगर उनमें जरा से भी गैरत है ना तो जाके कोई काम धंधा ढूंढे। ओए! हुआ जानू, अभी तो अफ्तारी में बहुत देर है, तुम फल अभी से ले आई हो? ये फल मैं अपने खाने के लिए लाई हूँ। अच्छा, माँ जी खा रही थी। तुम माँ जी का झूठा फल खाओगी? मैं माँ जी के सामने से उठा कर लाई हूँ नबील। जानू तुम जमीन पर गिरे हुए फल उठा कर ले आई हो? मैं माँ जी के हाथ से छीन कर लेके आई हूँ यार। क्या? हाँ, रोज मैं पैसे देकर अपने लिए फ्रूट मंगवाती हूँ और तुम्हारी माँ खा जाती है। तो क्या हो गया जानू? वो मेरी माँ है। माँ? वो तुम्हारी माँ है, मेरे पापा की नहीं है। खुद खर्चा करो अपनी माँ पर। अच्छा किया जानू जो माँ जी से छीन कर ले आई। माँ जी को जरा भी एहसास नहीं है कि कितनी मुश्किल से अंकल पैसे कमाते हैं। और तुम्हारी माँ को अगर इतना ही शौक है ना फल खाने का तो महमूद साहब से कहो कि जाकर लाए उनके लिए। और नहीं तो क्या, सारा सारा दिन घर पे हड हरामों की तरह पड़े रहते हैं, दूसरों की कमाई पे अयाशी करते हैं। अब मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी उन लोगों को। सिर्फ उनको मैं जानू? और जो उनका साथ देगा ना उसे भी नहीं दूंगी। ठीक है माँ जी।